हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेन यादव रविवार को अपने एक दिवसीय दौरे को लेकर बाड़मेर पहुंचे। बाड़मेर में आदर्श स्टेडियम में जिले के बेरोजगारों ने कार्यक्रम का आयोजन कर महासंघ के अध्यक्ष यादव का साफा एवं माला पहनाकर अभिनंदन किया। इस दौरान वर्ष 2013 की ANM GNM भर्ती से वंचित रहे अभ्यर्थियों ने यादव अपनी पीड़ा सुनाते हुए भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करवाने की मांग की। इसके साथ ही विभिन्न भर्ती प्रक्रिया में वंचित रहे अभ्यर्थियों एवं जिले के बेरोजगार युवक युवतियों एवं महिलाओं ने रोजगार से जोड़ने की मांग को लेकर राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेन यादव के सामने अपनी पीड़ा जाहिर की। सभा को संबोधित करते हुए उपेन यादव ने कहा कि राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ प्रदेश भर के बेरोजगारों के हितों के लिए काम कर रहा है और बेरोजगारों के हित होने की स्थिति में प्रदेश के युवा बड़े आंदोलन की ओर अग्रसर होंगे। पत्रकार से बात करते हुए उपेन यादव ने कहा कि गहलोत सरकार में मंत्री एवं अधिकारी आम जनता एवं बेरोजगारों पर हावी हो रहे हैं। साथ ही वर्ष 2013 से लंबित पड़ी नर्सिंग भर्ती एवं अन्य भर्ती प्रक्रियाओं के कारण अभ्यर्थी अपने हक की लड़ाई को लेकर सरकारी कार्यालयों एवं मंत्रियों के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनके सुनने वाला कोई नहीं है। यादव के अनुसार प्रदेश के युवाओं की आवाज़ वो सरकार तक पहुंचाएंगे और जनवरी माह तक लंबित पड़ी भर्ती प्रक्रियाओं को पूर्ण करने की मांग भी करेंगे। वहीं उन्होंने जनवरी माह तक युवाओं की मांगे नहीं माने जाने पर फरवरी माह में प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को इकट्ठा कर दिल्ली कूच करने एवं आंदोलन करने की चेतावनी दी। यादव ने कहा कि राज्य की गहलोत सरकार ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी, लेकिन प्रदेश के बेरोजगारों को भत्ता नहीं मिल पाया। इसके साथ ही विभिन्न भर्तियों में फर्जीवाड़ा एवं पेपर लीक होने के कारण अन्य अभ्यर्थियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनके अनुसार वर्ष 2013 में निकली नर्सिंग भर्ती में वंचित रहे अभ्यर्थी पिछले 7 वर्षों से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार द्वारा भर्ती प्रक्रिया के लिए कमेटी का गठन जरूर किया गया है, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया है, जिससे प्रदेश के युवाओं में सरकार के प्रति रोष व्यक्त है। और अब प्रदेश के युवा एक बार फिर सरकार को जगाने का काम करेंगे। इस दौरान 2013 ANM GNM भर्ती के वंचित अभ्यर्थी, LDC भर्ती के वंचित अभ्यर्थी समेत अन्य भर्तियों में वंचित रहे अभ्यर्थी एवं जिले के बेरोजगार युवक युवतियां और महिला मौजूद रहे। नर्सिंग भर्ती 2013 के लिए आज बाड़मेर की धरा पे राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ अध्यक्ष उपेन यादव, विजय पाल चौधरी, आए बाड़मेर की 3000 बहने इस भर्ती से वंचित हैं। कमेटी बने 1 साल से ज्यादा हो गया, पद सर्जित किए 1 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं है। इसके लिए बाड़मेर की बहने भाई यहाँ इकट्ठे हुए और सरकार से मांग की है जल्दी इन बहनों को न्याय दिलाने कष्ट करे। 2000 नर्सिंग भर्ती 2013 से हैं और ANM GNM हम 7 साल से परेशान हो रहे हैं। उपेन जी और विजयपाल जी यहाँ आए हैं और हमारा मुद्दा है कि 7 साल से हम परेशान हो रहे हैं, तो हमें न्याय मिलना चाहिए। हमने कई बार कांग्रेस के प्रतिनिधि को मैंने ज्ञापन दिया है, मुख्यमंत्री तक हम गए, हमारा कोई सलूशन नहीं निकला अभी तक। और एक कमेटी बनाई को 1 साल हो गए, अभी तक कमेटी ने कोई रिपोर्ट नहीं सौंपी। पता नहीं वो नेगेटिव है पॉजिटिव है, कोई पता नहीं है हमें। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकरा राम इकबाल की रिपोर्ट।